अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अभी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर से। अभी दोपहर का टाइम था और खाने में मैंने बिल्कुल सिंपल सा पालक चिकन बनाया और साथ में जो है वो रोटियां थी और थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस थे। हमारा प्लान था कि इसके बाद ना हम कहीं बाहर जाके ना थोड़ी देर बच्चों को घूमने फिरने के लिए लेके जाएंगे, इसलिए जो है वो बस सिंपल सा खाना बनाया, कुछ भी फैंसी नहीं बनाया। तो ये बस खाना खाया और इसके बाद जो है वो हम लोग रेडी हो गए। ऐसे ही इधर एक पार्क था तो उधर मैं सोचा कि बच्चों को थोड़ी देर बाहर ले जाएं कि बच्चों की थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है ना, तो फिर बहुत अच्छा होता है। लाइक उनकी बॉडीज़ के लिए भी अच्छा होता है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है कि वो घर आते हैं और आके ना थक जाते हैं और फिर ना लाइक जल्दी सो जाते हैं। तो इधर हम आ गए हैं पार्क में। ये अगर आप लोग को वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें आइडिया होगा तो यहाँ पे ये टेक्सस मेडिकल सेंटर के पास एक बहुत प्यारा पार्क है, हरमन पार्क इसका नाम है। और हम उधर आए थे और शाम का टाइम था, तो सीजन लाइक मगरिब के करीब का टाइम था। तो बहुत अच्छी ना इधर हवा चल रही थी और साथ ही उन्होंने ये फाउंटेन्स लगाए हुए थे और साथ में डक्स थी और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे। ये एक मॉन्यूमेंट भी इन्होंने बनाया हुआ था, जैसे वॉशिंगटन डीसी में है ना, उसी तरह का सिमिलर जो है ना इधर भी इन्होंने बनाया हुआ था। तो बस काफ़ी अच्छा था। बच्चों ने इधर जो है ना वो थोड़ी बहुत भाग दौड़ की और इधर उधर फिरे, चीज़ें देखी। इधर ना बहुत ज़्यादा इन्होंने डक्स भी रखी हुई थी, बहुत ही वैसे ना बहुत बड़ी बड़ी सी डक्स थी और लोगों ने खाना भी डाल रहे थे। मुझे तो वैसे ना पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत ही बड़ी थी और लाइक वो डरती भी नहीं थी किसी से, मतलब वो आपके ऊपर ऊपर ही जा रही थी। इधर हम फिर आके ये टेक्सस मेडिकल सेंटर देखने। अगर आप लोगों को शायद नहीं पता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है और इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं। और आप देखिए कि ये इतना खूबसूरत बना हुआ है, इतना ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। अभी रात का टाइम है तो शायद इतना देखने में हम पता ना लग रहा हो, बट इट वाज़ लाइक रियली रियली ब्यूटीफुल। और इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें बेलर आ जाता है, इसमें यूटी ह्यूस्टन का हॉस्पिटल आ जाता है, इसमें ह्यूस्टन मेथडिस्ट जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है ये ह्यूस्टन मेथडिस्ट है। इसके अलावा इसमें जो है पीछे ये देखिए यहाँ पे टेक्सस चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है पीछे से। और इसमें ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं और ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। मेडिकल सेंटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें नर्सिंग स्कूल्स भी हैं इसके अंदर, और इसमें जो है वो सारे लाइक रिसर्च सेंटर्स भी हैं। तो बस ये देखा, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग आ गए अल्फ़ा जूस पे। इसके जूसेस वगैरह और इसकी रबड़ी और सब कुछ ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग इस एरिया में रहते हैं तो ज़रूर, आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा। मैंने इनका फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया, इसका V5 जूस था आई थिंक, इसमें 5 तरह के फ्रूट्स थे आई थिंक सो। तो ये बस मैंने लिया, बच्चों ने जो है वो आइसक्रीम वगैरह ली और बस आज ऐसे ही आज का दिन हमने स्पेंड किया। ये बस छोटा सा आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।